एक और बात आपके सामने, किस्सा वही महाभारत, और इस बार बात रहेगी अभिमन्यु वध से। साथियों, जब गुरु द्रोण छल से चक्रव्यूह की तैयारी कर देते हैं और अर्जुन को युद्ध में उलझा करके रणभूमि के दूसरे छोर पर भेज देते हैं, ये बात पता लगती है धर्मराज युधिष्ठिर को। सारी सेना कांप उठती है चक्रव्यूह के नाम से। क्यों? क्योंकि पांडव दल में श्री कृष्ण और अर्जुन के सिवा उसे भेदना कोई नहीं जानता था। आज तो डर लग रहा था कहीं महाराज युधिष्ठिर को बंदी ना बना ले। साथियों, तभी अभिमन्यु 16 साल का बच्चा आ जाता है, हाथ जोड़कर कहता है कि तात्री रणभूमि में मैं जाऊंगा और मैं चक्रव्यूह को भेदूंगा। लाख मना करने पर भी नहीं मानता है और आज तो चक्रव्यूह में पहुंच जाता है। बड़ी विडंबना की बात है कि आज राजा भीष्म और श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए युद्ध के सारे नियम चकनाचूर हो जाते हैं। एक 16 साल के बच्चे को साथ साथ महारथी घेर करके दर्दनाक तरीके से, विभत्स तरीके से मौत के घाट उतार देते हैं वो कौरव। तो मरता मरता वो अभिमन्यु अपने ताऊ भीम को आवाज लगाता है, अरे क्यों ना खून खोल उठेगा आपका इस रागिनी को सुनकर के। करुणामयी शब्द, एक एक शब्द सुनने लायक सुनेंगे इस रागिनी में। कौरव दल लिपटा सारा, कोन्या ए बचा ले चारा, दौड़ के न जल्दी आइए चाचा मुझे भीम बचाइए,
बचा सारा को नाय बचा ले चारा तोड़ते न जल्दी आइए चाचा मुझे भी म बचाइए तोड़ते न जल्दी आइए चाचा मुझे भी म बचाइए हमारा जिया परेशान है सारा को न्याय बचा ले चारा।